ये एलजी साहब का कल शाम को ट्वीट है, कल दोपहर में ये ट्वीट है। उन्होंने कहा कि पिछले एक डेकेड से, मतलब 10 से 15 साल से दिल्ली के ड्रेनेज के ऊपर कोई काम नहीं हुआ है। हम तो अभी 6-8 महीने पहले एमसीडी के अंदर आए, पिछले 15 साल से 20 साल से जो ड्रेनेज के ऊपर काम नहीं हुआ पूरी दिल्ली के अंदर, उसके ऊपर कौन है? भारतीय जनता पार्टी किस चीज़ का प्रोटेस्ट कर रहे हैं? वो उनको तो शर्म आनी चाहिए, पूरी दिल्ली को उन्होंने बर्बाद कर दिया पूरी तरह से। उनको तो शर्म आनी चाहिए पूरी तरह से। आप लोग ये प्रोटेस्ट करने के जरिए क्या मांग कर रहे हैं? हमारी मांग यही है कि जो अधिकारी, सिर्फ छोटे मोटे नहीं, जो बड़े लेवल पे जो अधिकारी थे उनके खिलाफ आपको बहुत स्ट्रांग एक्शन लेना पड़ेगा। आपने कल सौरभ भारद्वाज जी का वीडियो देखा, किस तरह से वो एक तरीके से मंत्री से कह, वो सेक्रेटरी से कह रहे हैं कि भाई ये डिसिल्टिंग तुमने करवाई नहीं, गलत रिपोर्ट है तुम्हारी, कोई एक्शन ही नहीं। अभी हमने जो देखा कि अश्विनी कुमार एमसीडी कमिश्नर के तौर पे यही और यही तो सस्पेंड किया, आपको लगता है कि उसकी कार्रवाई पर्याप्त आपको ज़्यादा? आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी, क्योंकि वो जिम्मेदारी एमसीडी कमिश्नर तक जाती है, वो सिर्फ एक आदमी तक जिम्मेदारी नहीं जाती है। अगर उन्होंने नहीं किया तो एमसीडी कमिश्नर क्या कर रहे थे? उन्होंने कोई रिव्यू मीटिंग बुलाई? उन्होंने कुछ किया? जो रिपोर्ट उन्होंने दी क्या उसको उन्होंने क्रॉस चेक किया नहीं किया? ये तो इसकी तो जिम्मेदारी किसी को देनी पड़ेगी। आपको लेकर सवाल उठ रहे, बांसुरी स्वराज ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सवाल उठाया, आज संसद तक भी मुद्दा उठाया, बांसुरी स्वराज ने फिर से मुद्दा उठाया। बांसुरी स्वराज तक शिकायत आती है, बांसुरी स्वराज जी ये भी बता सकते हैं कि 15 साल से 11 साल से उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनकी पार्टी के रहे हैं, उनकी भी तो जिम्मेदारी बन रही है, कुछ उन्होंने क्या किया? बहुत आसान है, मैं तो अभी 1-1.5 साल से एमएलए बना, बहुत आसान है, मैं फिर भी मैं जिम्मेदारी से नहीं भागता। लेकिन उनको ये बताना पड़ेगा कि उनकी पार्टी ने ये ड्रेनेज क्यों नहीं बनाया, उनको बताना पड़ेगा, उसका जवाब देना पड़ेगा।